सिस्टम ऑफ इंडिया यानी कि भारत की जितनी भी नदियां हैं सभी को इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था मैंने। एनसीईआरटी का वीडियो है ये, पूरा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। लास्ट मोमेंट के लिए आपके दोहरा इसलिए क्योंकि ये मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ज्योग्राफी का है, ठीक है। और प्लस एक चीज़ और है, टेलीग्राम में मैंने बहुत सारी पिक लगातार दे रहा हूँ, ज्योग्राफी क्लास 9 तक फिनिश हो चुकी है, 10th 11th 12th वाली भी फिनिश कर दूंगा जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। बाकी सब चीज़ें टेलीग्राम ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी सारी रिवीजन पिक मैं वहाँ पे दे रहा हूँ, ज्योग्राफी की दे रहा हूँ, अभी इकोनॉमी पॉलिटी भी रात तक मिलेगी आपको, हिस्ट्री की भी, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की हम लोग समरी देख रहे थे पूरी, और क्लास 6 से लेकर 10 तक की हमको करनी है कंप्लीट, अभी हमारा यही टारगेट है। और 9 क्लास की चैप्टर नंबर 3 तक पहुंच गए हम इसमें, ठीक है। रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया देखेंगे। ड्रेनेज का मतलब होता है कि रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, और इसमें अगर आप देखें तो ड्रेनेज कोई अगर एक एरिया है ऐसा जो कि सिंगल रिवर और प्लस उसकी ट्रिब्यूटरीज उसको ड्रेन कर रही है उसको बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। वाटर डिवाइड का मतलब होता है कि अगर दो ड्रेनेज बेसिन को कोई भी ऐसा एलिवेटेड सरफेस डिवाइड करता है या फिर कोई अपलैंड ऐसा डिवाइड करता है उसको बोलते हैं वाटर डिवाइड। इसमें देखिए एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लीजिए ये एक रिवर सिस्टम है, एक ये, और उसके बीच में वाटर डिवाइड जो कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। फिर वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो ड्रेनेज बेसिन है वो अमेजोन रिवर है। इंडिया का लार्जेस्ट पूछा, ये ऑब्वियसली गंगा ही होगा। ड्रेनेज जो सिस्टम है इंडिया का वो जनरली कंट्रोल होता है जो रिलीफ फीचर्स है इंडिया में। इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम दो मेजर ग्रुप में डिवाइड होता है, एक है हिमालयन रिवर सिस्टम और एक है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। दोनों के बीच में डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए हिमालय जो रिवर सिस्टम होता है ये, इसमें जो रिवर्स होती हैं वो ज़्यादातर पेरिनियल होती हैं, ठीक है। ये मतलब हमेशा बहती हैं, ये ऑल टाइम इनमें फ्लो रहता है। जो हिमालय रिवर सिस्टम है ये ज़्यादातर पेरिनियल हैं, इनका जो कोर्स है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, इनमें इरोजन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये इसके जो मिडिल वाली कोर्स है उसमें मीएंड्रिंग होती है। अगर आप पेनिनसुलर रिवर की बात करेंगे तो वो सीजनल होती है, मतलब उसमें मानसून से फ्लो होता है। हिमालय में किससे फ्लो होता है? रेन से भी होता है, और प्लस इसमें जो स्नो मेल्ट होती है ग्लेशियर से, उन दोनों से फ्लो होता है। इसीलिए ये हमेशा हर महीने ये पेरिनियल होती है, इसीलिए हर महीने इनमें पानी रहता है। पेनिनसुलर में मानसून से ज़्यादातर फीड होती हैं वो, तो इसलिए जब मानसून नहीं होती तो पानी कम हो जाता है। कोर्स पेनिनसुलर का रिवर का इनसे कम होता है, इरोजन एक्टिविटी भी इनसे कम करती हैं एज कम्पेयर टू हिमालय। और प्लस उसमें जैसे अगर आप इसमें देखें तो हिमालय में जो ये बीच वाले हिमालय में देखिए तीन स्टेजेस होती हैं, ये भी हम लोग देखते हैं ये वाली। ये ज़्यादातर जो रिवर, ये अगर कोई भी रिवर सिस्टम है तो उसमें तीन कोर्स होते हैं, एक होता है अपर कोर्स, एक होता है मिडिल कोर्स और एक होता है लोअर कोर्स। तो ज़्यादातर जो हिमालय रिवर हैं वो मीएंड्रिंग करती हैं, तो ऐसे कई सारे फीचर भी होते हैं हिमालय की रिवर में, ये सब एब्सेंट होते हैं ज़्यादातर अगर आप एवरेज निकालेंगे तो पेनिनसुलर रिवर में, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई। उसके बाद अभी आप ये देखिए, इसमें देखिए मिडिल और ये सब लिखा है कि हिमालय रिवर जो है ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग कोर्स होता है इनका, जब तक ये सी में इंटर नहीं करती हैं, इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं हिमालय की रिवर। उसमें अगर आप देखें तो ये ओवरऑल ये पिक्चर है कि जो हिमालय की रिवर है उसमें ऐसे तीन कोर्स होते हैं। एक अपर कोर्स होता है जब ये जस्ट ग्लेशियर से ये निकल रही होती हैं, वहाँ से लेके थोड़ी दूर तक। अपर कोर्स में ये क्या करती हैं, इरोजन करती हैं, पूरा माउंटेन को इरोड करती हैं जितना मैक्सिमम होता है। उसके बाद मिडिल कोर्स में ये मीएंड्रिंग करनी चालू करती हैं, और फिर उसके बाद इनके फीचर आते हैं ये सब लोअर कोर्स में, जैसे कि मीएंड्रिंग इतनी ज़्यादा हो गई कि वो पानी कट के अलग हो गया और ये बन जाता है ऑक्सबो लेक, ठीक है। लोअर कोर्स में होता है ये सब डिपोजिशनल फीचर। फिर इनके पास इस जगह पे इतना ज़्यादा सेडिमेंट होता है कि इनकी स्पीड बहुत कम हो रखी होती है, और फिर ये डिस्ट्रीब्यूटरी बनाती जाती हैं छोटी छोटी, और ये डेल्टा क्रिएट कर देती हैं। तो ये सब कुछ फीचर हैं जो कि रिवर इन पर बनाती हैं हिमालय रिवर। फिर देखिए ये लिखा हुआ है कि ये कुछ जितनी भी ड्रेनेज पैटर्न है इंडिया में वो जनरली डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है स्लोप ऑफ लैंड, किस स्लोप से बह रही है वो। उसके बाद ये डिपेंड करता है कि अंडरलाइंग जो रॉक स्ट्रक्चर वो क्या है, और प्लस क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है उस जगह की। इन सब पे डिवाइड होके जो इंडिया का ड्रेनेज पैटर्न है, पैटर्न कई सारे बने हैं। एक होता है डेंड्राइटिक, पेड़ की पत्तियों की तरह लगता है, देख लीजिए ये मेन स्ट्रीम बह रही है उसमें फिर पत्तियों की तरह कुछ ना कुछ ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो जुड़ती रहती हैं, ठीक है।
ठीक है, ये लिखा हुआ है, देखिए, द ट्रिब्यूटरीज रिजेंबल्स द ब्रांच ऑफ अ ट्री, तो इसको बोलते हैं डेंड्राइटिक। उसके बाद दूसरा होता है ट्रेलिस। ट्रेलिस में क्या होता है कि जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो राइट एंगल पे आके यहाँ पे मिलती हैं। देखिए आप यहाँ पे, ये जितनी भी है राइट एंगल में आ रही है, ये ट्रेलिस पैटर्न है ये। फिर एक होता है रेक्टेंगुलर पैटर्न, उसमें देखिए ट्रेलिस जो पैटर्न है उसमें उसमें ये कहाँ पे डेवलप होता है ट्रेलिस वाला, जहाँ पे हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक पैरेलल एग्जिस्ट करती हैं, और रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है जहाँ पे स्ट्रांगली जॉइंटेड रॉक है। देखिए यहाँ पे हार्ड रॉक और ये सॉफ्ट रॉक अलग अलग है, और यहाँ पे स्ट्रांगली जॉइंटेड एक सिंगल रॉक है, यहाँ पे होता है रेक्टेंगुलर पैटर्न। उसके लास्ट में एक और पैटर्न होता है, ये है रेडियल पैटर्न। रेडियल मतलब ऊपर ये सेंट्रल अपलिफ्ट है, यहाँ से ऐसे रिवर्स सब जितनी भी स्ट्रीम में मूव कर रही हैं, तो ये है रेडियल पैटर्न, जहाँ पे जो स्ट्रीम्स हैं अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती हैं एक सेंट्रल पीक से। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आप याद रखिएगा। इसमें एक चीज़ ये है कि जो हिमालय की रिवर है इनको ऐसा बोला जाता है कि ये इनका फॉर्मेशन हिमालय से बनने से भी पहले हुआ है, और ये उससे पहले से भी फ्लो कर रही हैं, जब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराने से पहले वाली है ये, इसीलिए इनको एंटीसीडेंट ड्रेनेज बोला जाता है, ज़्यादातर जो हिमालय की रिवर्स हैं। ठीक है, ये सब मैं बता चुका हूँ। हिमालय की रिवर ये इरोज करती हैं, इरोजन करती हैं वो अपर कोर्स में, और मेंडरिंग यानी कि डिपोजिशन वाले फीचर्स हैं इनके मिडिल और लोअर कोर्स में। उसके बाद और अगर चलें तो ये देखिए, ये पेनिनसुलर के बारे में लिखा है कि ये सब सीजनल होती हैं, शॉर्टर कोर्स होता है इनका, इरोजन कम होता है इनमें, और शैलो होती हैं ये एज़ कम्पेयर टू हिमालय की काउंटर पार्ट से। ज़्यादातर जो पेनिनसुलर रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वेस्टर्न घाट, और ये बे ऑफ बंगाल की तरफ मूव करती है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है, लेकिन कुछ जैसे हैं जो मेजर रिवर जैसे नर्मदा, तापी, महानदी, ये सब ईस्ट टू वेस्ट हैं। ठीक है, तो ईस्ट फ्लोइंग भी है और वेस्ट फ्लोइंग भी है। अब हिमालय रिवर के बारे में पूरा इसमें डिस्क्राइब किया गया है। मेजर जो हिमालय रिवर सिस्टम है, एक है इंडस, फिर गंगा, फिर ब्रह्मपुत्र। देखिए इसमें सभी जितनी भी नदियां हैं सबके बारे में हम देखेंगे कि उनका ओरिजिन कहाँ हुआ, किस किस स्टेट से पास होती हैं, सब कुछ इसमें मैंने कर रखा है। देखिए एक रिवर है, अगर उसकी ट्रिब्यूटरी के साथ उस पूरे सिस्टम को बोलते हैं रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम अगर आप देखें तो इंडस रिवर सिस्टम में मेजर जो रिवर है इंडस है, और उसके अलावा उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। ये स्टार्ट होती है इंडस रिवर ये तिब्बत के आसपास लेक मानसरोवर वाले एरिया से, फिर ये इंडिया में एंटर करती है लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर में, और यहाँ पे एक गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज क्या होता है उसकी डिफिनेशन देख लीजिए, और ये है एग्जाम्पल, ये है गॉर्ज, ये गॉर्ज है। दो माउंटेन, बड़े बड़े माउंटेन के बीच में गॉर्ज होता क्या, एक नैरो वैली होती है जो कि हिल्स और माउंटेन के बीच में होता है, जिसको कि नदियाँ काट के बनाती हैं। ठीक है, अगर कोई नदी की स्ट्रीम है और उसने इतना ज़्यादा उसमें फोर्स होता है कि वो उस पूरे पहाड़ को ही काट के अपना रास्ता बना लेती है, ये होता है गॉर्ज। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, कि इंडस ये तिब्बत से ओरिजिनेट हुई, ये वेस्ट की तरफ मतलब यहाँ से कहीं मानसरोवर है, यहाँ से फिर वेस्ट की तरफ बढ़ी, लद्दाख में इंटर की, जम्मू कश्मीर में मतलब इंडिया में इंटर की, लद्दाख वाले रीजन में वहाँ पे गॉर्ज बनाया। फिर उसके बाद बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी इंडस की, जैसे जास्कर हो गई, नुब्रा हो गई, श्योक हो गई, उन्झा हो गई, ये सब कश्मीर रीजन में, मतलब इंडस यहाँ से मानसरोवर से बाई, लद्दाख में इंटर की इंडिया वाले पार्ट में, फिर यहाँ पे इसको ये सब ट्रिब्यूटरीज ने ज्वाइन किया, और फिर ये फ्लो हुई बाल्टिस्तान की तरफ, गिलगिट की तरफ, और फिर यहाँ से ये माउंटेन से निकली, और उसके बाद ये देखिए सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम ने इसको ज्वाइन किया, और फाइनली जो इंडस है ये मिथान कोट पे जा, ये देखिए मिथान कोट के आसपास पंजाब में, वहाँ पे इसको ये सब ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं। इंडिया कितने कौन कौन सी करती हैं, जास्कर, न्यूब्रा, श्योक और हुंजा, जो बाकी जो इंडिया इंडस की मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि IJCRBS, मैंने आपको बताया था IJCRBS जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, जैसे कि इंडस है, झेलम है, चेनाब है, रबी है, ब्यास और सतलुज, नॉर्थ से लेकर साउथ तक यही इसका एरिया है। ये वाली जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं ये इंडस में मिलती हैं, कहाँ पे, मिठानकोट पाकिस्तान में, और इसके बाद फिर इंडस फाइनली साउथ की तरफ फ्लो करता जाता है और अरेबियन सी में मिल जाता है ये, तो ये आपको याद रखना है। फिर इंडस का बहुत जेंटल स्लोप है ये, इसका करीबन जो लेंथ है 2900 किलोमीटर है। इंडिया की मतलब इंडस रिवर सिस्टम जो टोटल आप माने तो ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ द इंडिया है। ये देखिए पूरा पहले एक बार इंडिया का मेजर रिवर देख लेते हैं, यहाँ पे कौन सा कहाँ पे है।
ये अगर आप देखें इंडस यहाँ पे लेक मानसरोवर के आसपास, ऐसे यहाँ पे लद्दाख में ओरिजिनेट हुई, फिर जास्कर श्योक और हुमजा नदी ने इसको ज्वाइन किया। अब देखिए ये इंडस आ रही है आई, फिर ये जे सी आर, यहाँ पे ब्यास है, ये सतलुज है, ये सब मिथान कोट है यहाँ पे, ये मिथान कोट है पाकिस्तान वाला एरिया। और फिर जाके ये कहाँ पे मिलेंगी, अरेबियन सी में मिल जाएंगी। तो ये हो गई इंडस रिवर सिस्टम। फिर ये गंगा, गंगोत्री से यहाँ से निकलती है, ये गंगा हो गई, और ये यहाँ पे जाके आती है इधर पूरा बे ऑफ बंगाल में मिलती है। गंगा में जैसे देखिए लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी वाला आपको पता रखना चाहिए कि अगर कोई भी रिवर लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी तब होगी, ये आपके रेफरेंस वाले पॉइंट से लिया जाएगा जहाँ से रिवर ओरिजिनेट हुई है। यहाँ से ओरिजिनेट हुई तो यहाँ से रेफरेंस होगा। इसके लेफ्ट वाला लेफ्ट रिवर हो गई, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई, राइट वाली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। तो गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है आप देखिए, इसमें घाघरा हो गई, गंडक हो गई, कोसी साफ साफ दिख रही है। कोसी को सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं, ये हर बार फ्लड लाती है बिहार में। गंगा का अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखें तो सबसे बड़ी तो पहली बात गंगा की ट्रिब्यूटरी यमुना है, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी भी यमुना है। उसके बाद सोन है और भी बहुत सारी, अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर ये ब्रह्मपुत्र को ये तिब्बत में क्या बोलते हैं, यारलुंग शांगपो, और ये दिहांग एज अ दिहांग रिवर यहाँ पे इंटर करती है, यहाँ पे गॉर्ज है दिहांग गॉर्ज, यहाँ से ये पूरा साउथ ईस्ट की तरफ मूव करके एज अ ब्रह्मपुत्र इंडिया में इंटर करती है। फिर यहाँ पे कई सारी दिबांग है, लोहित है, इन ट्रिब्यूटरी ये सब इनको ज्वाइन करती हैं। अब देखिए गंगा इधर से आ रही है, गंगा फरक्का ब्रिज के आसपास दो स्ट्रीम में डिवाइड हो जाती है, एक होती है हुगली जो कोलकाता में रहती है, और एक होती है पद्मा जो बांग्लादेश में चली जाती है। तो गंगा बांग्लादेश में एज अ पद्मा इंटर करती है, और जो बांग्लादेश में सॉरी ब्रह्मपुत्रा है ये बांग्लादेश में एज अ जमुना इंटर करती है। तो यहाँ पे हो गई जमुना और यहाँ पे गंगा हो गई पद्मा, दोनों मिलके बन जाती हैं मेघना, और एज अ मेघना फाइनली बे ऑफ बंगाल में ये रिवर मिलती है, और यहाँ पे बनाती है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा जिसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पे सुंदरी ट्री पाए जाते हैं, यहाँ पे और भी बहुत सारी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हैं, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, सब कुछ है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए ये कुछ डैम दिए हुए हैं यहाँ पे, ये चंबल रिवर बनाए जाते हैं, बनाए गए हैं राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, सांबर सॉल्ट लेक ये राजस्थान में है, ये बेटवा है, ये यमुना रिवर की है ट्रिब्यूटरी। फिर देखिए ज़्यादातर जो इंडिया की रिवर सिस्टम है पेनिनसुला की, वो सब वेस्ट फ्लोइंग है, सॉरी ईस्ट फ्लोइंग है, सब वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाती है, क्योंकि जो डेक्कन प्लेटू का शेप है वो थोड़ा सा टिल्टेड है इधर की तरफ। उसके बाद देखिए ये जो मेजर रिवर सिस्टम हो गई, महानदी हो गई, चिल्का लेक इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, और इंडिया की लार्जेस्ट लेक भी है। अब देखिए ये जैसे ये महानदी हो गई, फिर यहाँ पे ये कावेरी हो गई, इसके ऊपर कृष्णा, और ये सब अभी हम देखेंगे एक करके, ये सब इसमें आप देख लीजिए इतना अभी जो चीज़ें हैं इसमें इंपॉर्टेंट बताने वाली। अब इंडस की हम लोग बात कर रहे थे, तो इंडस की देखिए कौन सी कहाँ पे ओरिजिनेट हुई है। देखिए इंडस की जो जो टोटल मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट हुई ये लिखा है इसमें। इंडस कहाँ पे ओरिजिनेट हुई है, ये हुई है कैलाश रेंज के आसपास, मानसरोवर लेक से हुई है, और प्लस इसकी लेंथ कितनी है करीबन ओवरऑल जो इंडस की, वैसे इंडिया में है 710 किलोमीटर। देखिए इंडस वैसे भी जो टोटल इंडिया का सिर्फ इंडस का 1/3 पार्ट है इंडिया में, बाकी ये पाकिस्तान में ही है। झेलम का ओरिजन हुआ है वेरीनाग से, और ये इसकी लेंथ है 720 किलोमीटर टोटल करीबन। चेनाब नदी जो है इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है ये, और ये बारालाचा पास से ओरिजिनेट हुई है, 1180 किलोमीटर की है ये। फिर उसके बाद ये देखें अगर आप, तो राबी नदी है ये रोहतांग पास के आसपास, चंबा नाम की जगह से हुई ओरिजिनेट। ब्यास नदी है रोहतांग पास से ओरिजिनेट हुई है। सतलुज नदी है ये कहाँ से हुई है, मानसरोवर रेक मानसरोवर राकास लेक से हुई है ये। ओवरऑल तो इसकी लेंथ ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में इसकी लेंथ कम है। ये इसमें देख सकते हैं आप पूरा इंडस रिवर का मैप है अगर आप देखें तो, ये जैसे ये थोड़ा और इसको बड़ा करके देख लेते हैं, ये पूरा इंडस रिवर का ये मैप है। ये देखिए ये इंडस यहाँ से ओरिजिनेट हुई कैलाश रेंज के आसपास से, और ये इंडिया में इंटर की लद्दाख के आसपास, फिर इसको जांस्कर नुब्रा और ये जितने भी हुंजा इन सब ने ज्वाइन किया इसको। उसके बाद देखिए ये आई, ये जो जे सी आर बी एस है, ये मिथान कोट से पहले मिली और यहाँ पे पंजनाद बना। फिर उसका सबका लिखा हुआ है कि ओरिजिन क्या है, जो अभी हमने देखा है इसमें, यहाँ पे पूरा मैंने टेबल बताई है आपको।
ये पूछेंगे अगर कि झेलम का ओरिजिन क्या है, वेरीनाग है, चेनाब का बारालाचा पास है, रबी का है रोहतांग पास के आसपास चंबा में, ब्यास का है रोहतांग पास, सतलुज का है मानसरोवर लेक राखास। ठीक है, तो ये इंडस वाला पूरा था इसमें अभी तक। ये मैंने आपको बताया कि इंडस का टोटल जितना भी जो ये है वाटर जो बेसिन है पूरी 1/3 केवल इंडिया में करता है, जम्मू कश्मीर में फ्लो करता है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, बाकी सभी पाकिस्तान में। देखिए इंडस के लिए अगर एक चीज़ आप देखें, इंडस वाटर ट्रीटी हो रखी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, 1960 में हुई थी, वर्ल्ड बैंक ने इसमें मीडिएट किया था, और इसके हिसाब से IJC यानी कि जो ईस्ट वाली वेस्ट वाली रिवर है वो पाकिस्तान के पास है, और प्लस RBS यानी कि राबी ब्यास सतलुज ये इंडिया के पास है, ईस्ट वाली इंडिया के पास है और वेस्ट वाली पाकिस्तान के पास है। ये आप याद रखिएगा IJCRBS। तो IJC ये ईस्ट वाली वेस्ट वाली हो गई, ये पाकिस्तान के हैं और ये RBS वाली इंडिया की है। लेकिन हालांकि जो बाकी भी ये रिवर है IJC, इसमें भी इंडिया वाटर यूज़ कर सकता है, और इवन जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जैसे डैम भी बना सकता है उसकी वाटर स्ट्रीम को, बस ये तोड़ेगा नहीं, वाटर को जो फ्लो हो रहा है उसको डिफ्लेक्ट करेगा, ये बस रूल था उसमें। और ये देखिए अगर फिर दूसरा आता है गंगा रिवर सिस्टम, हिमालय का सबसे बड़ा जैसे है ये गंगा रिवर सिस्टम। में क्या होता है कि पहले तो एक भागीरथी होती है जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, वो अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में, और तब जाके बनती है गंगा। हरिद्वार में गंगा इमर्ज होती है माउंटेन से प्लेन्स पे। देखिए पांच ये जो प्रयाग हैं वो एक बार देख लिए, पूरा मैंने यहाँ लिस्ट बना रखी है, इसीलिए मैंने बहुत सारा डेटा इसमें इंक्लूड किया है बाहर से। पहला प्रयाग होता है विष्णु प्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा जो है ये मेन ये मिलती है धौली गंगा से। दूसरा है नंद प्रयाग, यहाँ पे अलकनंदा मिलती है नंदाकिनी से। तीसरा है कर्ण प्रयाग, यहाँ अलकनंदा मिलती है पिंडारी से। चौथा रुद्र प्रयाग है, अलकनंदा मिलती है मंदाकिनी से। और फाइनली देवप्रयाग में उत्तराखंड में अलकनंदा मिलती है भागीरथी से, तब बनती है गंगा। तो ये पंच प्रयाग आप याद रखिएगा। ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये भागीरथी ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, फिर ये यमुना कहाँ से निकलती है ये सब उसमें लिखा हुआ है, ये यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, फिर चंबल, ये सब पूरा ये एक बार आप इसमें देख लीजिए इसको। बनास ये निकलती है अरावली रेंज से, बेटवा बनास निकलती है मतलब बेटवा से, ये बेटवा नदी निकलती है सॉरी, ये भोपाल से, केन निकलती है ये बारनेर रेंज से, सोन निकलती है अमरकंटक से, दामोदर को बोलते हैं सौरव ऑफ बंगाल, ठीक है, रामगंगा ये निकलती है करीबन गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के उत्तराखंड से, घाघरा रिवर निकलती है ये, फिर ट्रांस हिमालय की ये है, ये सब पूरी जितनी भी गंगा की रिवर्स हैं, कोसी को बोलते हैं सौरव ऑफ बिहार, अरुण और ये सोन मिलके बनाते हैं इसको। तो ये इतना ये पूरा ही मैंने लिखा हुआ है इसमें डिटेल, एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वैसे मेन चीज़ लिखी हुई है, जो मेन चीज़ मैंने अलग से लिखी हुई है इसीलिए अलग अलग। गंगा बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज से, फिर जब ये फाइनली गंगा बन गई तो फिर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज को ज्वाइन करती हैं, लेफ्ट बैंक राइट बैंक, अभी मैंने मैप में बता दिया था आपको। यमुना रिवर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, वो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी, इलाहाबाद के आसपास मिलती है, फिर घाघरा गंदा कोसी ये सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, नेपाल हिमालय से मिलती हैं, और इन्हीं की वजह से हर बार फ्लड आता है, ये सब लिखा हुआ है इसमें। और ये ही ऐसी हैं जो ज़्यादातर जो लाइफ को डैमेज करती हैं प्लस, लेकिन ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होती हैं। ये मेन ट्रिब्यूटरी जो पेनिनसुलर लैंड से आ रही हैं गंगा की वो है चंबल बेटवा सोन, और ये सेमी एरिड एरिया से करती हैं, शॉर्ट कोर्स होता है इनका, ज़्यादा वाटर नहीं होता है इनमें। फिर देखिए ये जो राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात, गंगा ईस्ट की तरफ फ्लो करती है फरक्का ब्रिज तक, ये फरक्का में ये दो नदी में दो मतलब डिस्ट्रीब्यूटरी में डिवाइड हो जाती है, एक हुगली और एक पद्मा जो कि बांग्लादेश में चली जाती है। तो गंगा को बांग्लादेश में बोलते हैं पद्मा, ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना, दोनों मिलके ये बनाती है मेघना, और एज अ मेघना फाइनली बे ऑफ बंगाल में मिलती है, और ये डेल्टा बनाती है, ये सब मैंने अभी मैप में आपको बता दिया। ये जो डेल्टा है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है, और ये यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। फिर ये जो लेंथ है टोटल गंगा की करीबन 2500 किलोमीटर के आसपास है, अम्बाला लोकेटेड है एज अ वाटर डिवाइड इंडस और गंगा रिवर सिस्टम के बीच में। वाटर डिवाइड में मैंने आपको बताया था कि कोई ऐसा अपलैंड जो कि दो मेजर
रिवर स्ट्रीम को अलग अलग करता है, तो वो है वाटर डिवाइड। अब इसके बाद देखिए ये गंगा का ये जो ये फोटो है, इसमें आप देख सकते हैं पूरा कि गंगा के दो कंट्रीज में बहती है, इंडिया और बांग्लादेश में, ठीक है। किस किस स्टेट में बहती है ये गंगा? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, पांच स्टेट से फ्लो करती है गंगा। ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? लेफ्ट वाली कौन कौन सी है? राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। राइट वाली ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी गंगा की? यमुना, तमसा, सोन और पुनपुन। तो ये हैं ये राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। सोर्स क्या है गंगा का? गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। और इसके बाद ये पूरा हो गया। अब देखिए ये मैप दिया था इसमें, और ये इसीलिए दिया था इससे ये पता लग सके गंगा का जो, देखिए ये गंगा आ रही है इसमें, देखिए ये पूरा गंगा है, रिवर घाघरा हो गई, गंडक हो गई, कोसी, ये सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई, यमुना हो गई, सोन हो गई, और इधर पुनपुन हो गई, ये सब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। गंगा फरक्का ब्रिज में, फरक्का के आसपास एक जगह है, वहाँ पर दो स्ट्रीम में डिवाइड हो गई, एक हुगली जो कोलकाता में गई, और एक एज ए पद्मा इंटर करी बांग्लादेश में। ये आप रट लीजिए बिल्कुल, ये आता है बार बार बांग्ला, ये ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं इसको, और ये जमुना के लिए एंटर करी, फिर ये पद्मा और जमुना मिलके फाइनली बन गई मेघना। मेघना में ये लोग मर्ज हो गए, फाइनली मेघना ये नदी बे ऑफ बंगाल में इंटर करती है। फिर उसके बाद आता है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र की जो रिवर है ये तिब्बत में ओरिजिनेट होती है, मानसरोवर लेक के आसपास। और जो भी देखिए मानसरोवर जो लेक है वो इंडस का भी सोर्स है, सतलुज का भी सोर्स है, ब्रह्मपुत्रा का भी सोर्स है। जो ये ब्रह्मपुत्रा ये थोड़ी सी लंबी है इंडस से, और इसका ज़्यादातर जो कोर्स है वो इंडिया के बाहर ही रहता है। ये नामचा बरुआ पे इंटर करने पे ये यू टर्न लेती है और इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है थ्रू ए गॉर्ज। मैंने बताया था आपको ऐसे आती है ये रियालुंग सांगपो, और यहाँ पे दियांग गॉर्ज होता है, यहाँ से साउथ ईस्ट में मूव कर जाती है, और इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा को दिहांग बोलते हैं जब इंटर करती है जस्ट वहाँ पे गॉर्ज के बगल में। और फिर ये दिबांग और लोहित कई नदियाँ इसको ज्वाइन करती हैं और बनाती हैं फाइनली ब्रह्मपुत्रा असम में। ये देखिए ये एक बार इसको देख लीजिए, इसमें पूरा ये क्लियर हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा सिस्टम। ये ब्रह्मपुत्रा का है पूरा, ये गंगा का है, गंगा का हम देख चुके हैं अभी पूरा। ये ब्रह्मपुत्रा का देखिए, तो ये ब्रह्मपुत्रा किस किस कंट्री से फ्लो करती है? चाइना, इंडिया और बांग्लादेश से। किस स्टेट से फ्लो करती है इंडिया में? असम और अरुणाचल प्रदेश से। ब्रह्मपुत्रा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है, मतलब ये ऐसे आ रही है, तो लेफ्ट बैंक कौन सा हुआ इसका? इधर से जो ज्वाइन करेंगी, तो ये दिबांग है, लोहित है, धनसिरी है, कोलोंग है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? कामेंग है, मानसरोवर है, बेकी है, रेडाक है, जलदका है, तीस्ता है, सुबानसरी है, और इसका सोर्स है आंगसी ग्लेशियर। तो ये सब हम ब्रह्मपुत्रा के बारे में आप याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्रा को सांगपो बोलते हैं तिब्बत में और जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में, ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी। ब्रेडेड स्ट्रीम जहाँ पे देखिए जो ब्रह्मपुत्रा है ये जनरली तिब्बत में बहुत ज़्यादा कम, मतलब बहुत कम एरिया होता है इसका वाटर का, क्योंकि वहाँ पे इतनी बारिश नहीं होती है और बहुत कम सिल्ट भी होता है, कोल्ड और ड्राई एरिया है वहाँ पे। लेकिन जब ये इंडिया में पास होती है तो बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल वाले एरिया से होती है। वैसे भी आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में इंडिया में हाईएस्ट रेनफॉल होती है, और इसीलिए ये रिवर के पास एक बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है वाटर का और प्लस सिल्ट का। और ये रिवर पूरी ब्रेडेड चैनल ये बनाती हुई आती है पूरी इंटायर लेंथ में असम में, और कई सारे रिवरीन आइलैंड बनाती है। ब्रेडेड का मतलब होता है कि इस रिवर के पास इतना ज़्यादा सेडिमेंट लोड होता है कि ये सेडिमेंट डिपॉजिट करती हुई चलती है, और कई सारे छोटे छोटे आइलैंड बार बनाती जाती है डिफरेंट चैनल के बीच में, इसीलिए बहुत सारे रिवर आइलैंड रिवरीन आइलैंड बनाती है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड है माजुली, वो भी इसी ने बनाया हुआ है, और ये हर साल बहुत ज़्यादा फ्लड लाती है रेनी सीजन के टाइम पे। देखिए ये जो जैसे नॉर्थ इंडियन रिवर्स हैं उसके अगर उससे कंपेयर करें तो ब्रह्मपुत्रा के पास बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होते हैं सिल्ट के, और ये मतलब एकदम ये यहाँ से ऐसे आ रही, क्योंकि यहाँ जो ईस्टर्न हिमालय में एल्टीट्यूड वेरिएशन भी ज़्यादा होता है तो काफ़ी स्टीप फ्लो मिल जाता है इसको, तो बहुत ज़्यादा इरोड करके बहुत ज़्यादा सेडिमेंट होते हैं ये बीच बीच में रिवरीन आइलैंड क्रिएट करती रहती है। तो ये हो गई आपकी इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। हिमालय वाला खत्म, अब देखते हैं पेनिनसुलर। पेनिनसुलर में जो मेन वाटर डिवाइड है पेनिनसुलर इंडिया का वो है वेस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट से ज़्यादातर रिवर निकलती है पेनिनसुलर में और ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती हैं। जैसे ज़्यादातर कौन सी हो गई? इसी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी।
कुछ ऐसी भी स्मॉल स्ट्रीम्स हैं जो आपकी वेस्ट में फ्लो करती हैं, ये हो गया वेस्टर्न घाट वाटर डिवाइड, ज्यादातर रिवर ईस्ट फ्लो कर रही हैं, कुछ वेस्ट में फ्लो करती हैं जैसे नर्मदा तापी, दो ये एक्सेप्शन है और ये रिफ्ट वैली से पास होती हैं, बहुत स्मॉल है साइज में। नर्मदा के बारे में अगर आप देखें, नर्मदा अमरकंटक हिल से ये ओरिजिनेट होती है, रिफ्ट वैली में बहती है, ये फॉल्टिंग हुई थी वहाँ पे उसी वजह से। और जैसे यहाँ पे बहुत सारी अच्छी लोकेशन भी है, मार्बल रॉक्स है जो जबलपुर के निकट, वो उस पे नर्मदा फ्लो करती है, ठीक है, फिर वो धुआंधार फॉल है वहाँ पे भी नर्मदा फ्लो करती है, तो ये सब नर्मदा की चीज़ें हैं। ये जितनी भी नर्मदा की ट्रिब्यूटरी हैं बहुत शॉर्ट हैं और ज़्यादातर ये जो मेन स्ट्रीम को राइट एंगल में ये ज्वाइन करती है, मतलब ट्रेलिस वाला पैटर्न है यहाँ पे। नर्मदा मध्य प्रदेश और गुजरात का एरिया कवर करती है, देखिए ये इसमें थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं इसको, ये है नर्मदा रिवर, ये फ्लो कहाँ से कर रही है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात, इसकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी दी हुई है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत वैसे नाम है जो आपने नहीं सुने होंगे कभी, पूछे भी नहीं जाएंगे मेरे हिसाब से कभी ये। और इसका जो सोर्स है अमरकंटक प्लेटू है, एक बार देख लीजिए, फिर भी अगर आप कभी पूछ लें धोखे धड़ाके में, तो ये सब है इसकी नर्मदा की ये पूरा लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। फिर आप देखें आगे आए अगर थोड़ा सा, तो तापी रिवर है, तापी रिवर है सतपुड़ा रेंज में बैतूल डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है, ये भी रिफ्ट वैली में, देखिए ऊपर नर्मदा जा रही है उसके नीचे आती तापी, रिफ्ट वैली में पैरेलली ये मूव करती है, और ये भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये इसका जो ये कोस्टल प्लेन है बहुत नैरो है और ये कोस्टल रिवर बहुत शॉर्ट है। ये दूसरी अगर आप वेस्ट फ्लोइंग रिवर देखें तो कौन सी होगी, एक होगी नर्मदा, फिर होगी तापी, उसके अलावा साबरमती है, माही है, भारतपुंजा है, पेरियार है, ये सब है वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ताप्ती नदी के बारे में अगर आप देखें, इसमें ताप्ती नदी किस किस स्टेट से बहती है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात, और इसका सोर्स क्या है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट है ये आप याद रखिएगा, ताप्ती नदी छोटी सी नदी है ये। फिर उसके बाद गोदावरी नदी, ये तो पेनिनसुला की लार्जेस्ट रिवर है ये, ठीक है, तो ये लार्जेस्ट रिवर अगर पेनिनसुला की पूछा जाएगा वो गोदावरी नदी है। देखिए एक बड़ा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को कि दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं और गंगा आप साउथ किसको बोलते हैं, दोनों लिख दिया मैंने यहाँ, दक्षिण गंगा बोलते हैं गोदावरी को और गंगा आप द साउथ बोलते हैं किसको, कावेरी को, ठीक है, दोनों आप याद रखिएगा, दक्षिण गंगा गोदावरी है, गंगा ऑफ द साउथ है कावेरी, गोदावरी लार्जेस्ट रिवर है ये पेनिनसुला की, और ये वेस्टर्न घाट में नासिक डिस्ट्रिक्ट के आसपास ओरिजिनेट होती है, महाराष्ट्र में 1500 किलोमीटर इसकी लेंथ है टोटल, ड्रेनेज बेसिन जो इसका लार्जेस्ट है पेनिनसुला रिवर्स में, और ये कहाँ कहाँ पूरा ट्रेवल करती है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गोदावरी की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी दी हैं, पूर्णा है, वरद है, वारदा है, ये प्राणहिता है, मंजरा है, वेन गंगा और पेन गंगा है, और इसको बोलते हैं दक्षिण गंगा, गंगा ऑफ द साउथ किसको बोलते हैं, कावेरी को। ये देखिए गोदावरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है, गोदावरी इंडिया में महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तो 5 स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला के पास हो रही है ये। लेफ्ट बैंक कौन कौन से ट्रिब्यूटरी है इनकी, बैन गंगा ये पूर्णा है, सिवाना, प्राणिता, इंद्रावती है, सवारी है, राइट बैंक कौन कौन सी है इसमें, इसमें मंजीरा है ये, प्लस और भी है ये, और इसका सोर्स क्या है, मतलब जहां से ओरिजिनेट होती है वो है ब्रह्मगिरी माउंटेन, त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है ये गोदावरी नदी, ब्रह्मगिरी माउंटेन त्र्यंबकेश्वर नासिक से। इसकी देखिए ट्रिक तो है लेकिन अभी इतना कम टाइम है इसलिए रिविजन में नहीं बता पा रहे हैं, तो आगे जरूर इसको कवर करेंगे, लेकिन ट्रिक वाइज जब ये यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा। फिर ये महानदी बेसिन में अगर आप देखें तो महानदी ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, छत्तीसगढ़ से ये ओरिजिनेट होती है, उड़ीसा में फ्लो करती है, और इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा ये सब मिलके शेयर करती हैं, ये है महानदी। महानदी कहाँ कहाँ से फ्लो कर रही है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और इसकी लेफ्ट ब्रेन ट्रिब्यूटरी दी हुई है ये सेवनाथ है, मांद है, और राइट है ये ओंग है, पैरी है, जोंक, तिलन है, ये सोर्स क्या है इसका महानदी का, ये है छत्तीसगढ़ डंडा करने के आसपास। फिर कृष्णा बेसिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कृष्णा रिवर है, ये कहाँ से फ्लो करती है, एक महाबलेश्वर के आसपास से, और ये 1400 किलोमीटर की लेंथ है, चौथी लार्जेस्ट है ये कृष्णा रिवर, इसकी ट्रिब्यूटरी है तुंग भद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा, देखिए ये है कृष्णा रिवर।
फोर्थ बिगेस्ट है ये, गंगा गोदावरी ब्रह्मपुत्रा के बाद ये। और देखिए कृष्णा रिवर कहाँ कहाँ से फ्लो करती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से। इसकी ट्रिब्यूटरी लेफ्ट और राइट दी हुई है, लेफ्ट वाली कौन सी, भीमा है, मूसी है, मोनेरू। राइट कौन कौन सी, कोयना है, पंचगंगा है, दूध गंगा है, घाट प्रभा है, मालप्रभा और तुंगभद्रा। सोर्स क्या है इसका, महाबलेश्वर महाराष्ट्र के आसपास से ये फ्लो करती है कृष्णा, ठीक है। ये पूरा देख लिया हमने। फिर लास्ट में एक कावेरी रिवर है, ब्रह्मगिरी रेंज जो वेस्टर्न घाट से यहाँ से स्टार्ट होती है, बे ऑफ बंगाल तक जाती है। मेन ट्रिब्यूटरी है अमरावती, भवानी और ये हेमावती और काबनी, और ये पार्ट करती, ये ड्रेन करती है केरला और कर्नाटक और तमिलनाडु को। तो ये देख लीजिए कावेरी बगल में ही बनाया हुआ है, ये है कावेरी। ये इसकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक कौन कौन सी है, हेमावती है और शिमसा और अक्रावती, ये लेफ्ट हो गई। राइट वाली काबिनी, बाविनी और अमरावती। और इसका सोर्स क्या है, ये है वेस्टर्न घाट कर्नाटका में, ब्रह्मगिरी रेंज से ये पास होती, स्टार्ट होती है कावेरी। ये आप याद रखिएगा। इसमें देखिए कावेरी इंडिया का सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल बनाती है, शिवा समुद्रम करके है ये। कर्नाटक में गोल्ड फील्ड भी पाई जाती है, ये सब लिखा हुआ है इसमें। इन सब जो मेजर रिवर के अलावा दामोदर, ब्रह्मानी, बैतरणी और सुबर्णिका भी कुछ एग्जाम्पल हैं। लेक्स के बारे में बताया गया कि डल लेक है ये जम्मू कश्मीर में है ये, और ये हाउस बोट शिकारा बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, ठीक है। जो ज़्यादा बड़ी लेक होती है उनको सी बोलते हैं, जैसे कैस्पियन सी हो गया, डेड हो गया और ये अरल सी। कैस्पियन सी वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक है। लेक्स के बारे में हम पूरा एक डिस्कस मैं बना चुका हूँ, वो आप पूरा वीडियो बना चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ, देख लीजिएगा आप। ज़्यादातर लेक्स ये इंडिया में बोला गया कि बहुत ज़्यादा ये परमानेंट है, कई बार वो ये वाटर ये रेनी सीजन में उनको मिल जाता है, ठीक है। मीएंड्रिंग होती रहती है, ऑक्सबो लेक बन जाती हैं, स्पिट और बार की वजह से ये लैगून्स बन जाती हैं कोस्टल एरिया में। जो चिलिका लेक है इंडिया की लार्जेस्ट लैगून है और इंडिया की लार्जेस्ट लेक भी है ये। पुलिकट लेक हो गई, केलरूरू लेक हो गई। कुछ जो लेक्स हैं वो जैसे इनलैंड ड्रेनेज वाली वो सीजनल होती हैं, इनलैंड अगर वो प्रेजेंट है, इनलैंड मतलब राजस्थान के किसी एकदम एरिया में पर्टिकुलरली ऐसे बीच में। और ये सांबर लेक है जैसे, इसका एग्जांपल राजस्थान में है, सॉल्ट वाटर लेक है। ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर लेक है हिमालय से ओरिजिनेटेड है, ये ग्लेशियल ओरिजन है उनका। वुलर लेक अगर आप देखें जम्मू कश्मीर में है, ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से है, तो ये एक्सेप्शन है, ये आप याद रखिएगा। ये पूछा गया है कई बार कि ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर लेक है वो तो हिमालय से हैं, ग्लेशियल ओरिजन है उनका, लेकिन वुलर लेक का ग्लेशियल ओरिजन नहीं है, ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से क्रिएट हुई है। उस पर फिर डैमिंग कर देते हैं, जैसे एक गुरु गोविंद सागर प्रोजेक्ट बनाया हुआ है और भी बहुत सारे बनाए हुए हैं। फिर ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, वुलर लेक है। और भी लेक के बारे में बताया गया, लोकटक है इंडिया में, बारापानी। लेक्स वाला आप वीडियो देख लीजिएगा, पूरा लेक्स पे बना चुका हूँ मैं। लेक्स का इंपॉर्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फ्लडिंग को प्रिवेंट करती है ये, ड्राई सीजन में एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, हाइडल पावर के लिए इंपॉर्टेंट होती है। रोल बताया गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रिवर्स का, ये यूज़ होती है इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन में। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। देखिए इंडिया में जो हाईएस्ट पॉल्यूटेड, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड रिवर है यमुना, फिर है गंगा और थर्ड नंबर पे सुबर्णरेखा, YGS याद रखिएगा आप। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान बनाया गया था 1985 में, फिर उस पर भी और कई बार पैसे खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन इतना ज़्यादा हम लोग को रिजल्ट नहीं मिला है। मिनिस्ट्री बनाई गई है उसके लिए, एक नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा बनाया गया है, NGRBA को अब डिसॉल्व कर दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं अभी। अब इसमें ये हो गया चैप्टर खत्म, इसमें देख लीजिए इसके ये आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबलिंग द ब्रांच ऑफ ए ट्री, आपको पता है डेंड्राइटिक। वुलर लेक कहाँ पर लोकेटेड है पता है आपको, जम्मू कश्मीर। नर्मदा का सोर्स है अमरकंटक। सॉल्ट वाटर लेक कौन सी, सांभर है। और लॉन्गेस्ट रिवर पेनिनसुलर की ऑब्वियसली गोदावरी, और इसमें रिफ्ट वैली से कौन पास होती है, नर्मदा और तापी। तो ये हो गया खत्म। इसके बाद अब हम करेंगे 9th क्लास का 4, 5, 6। 4, 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट वाला, उसको जरूर देखते रहिएगा और देखिएगा। और प्लस 10th तक की हम पहले करेंगे NCERT, फिर उसके बाद या तो हिस्ट्री करेंगे या फिर इकोनॉमी करेंगे। कमेंट करके आप बताइए क्या करनी है। मैं अगर इकोनॉमी भी आप बोलेंगे तो 9 से लेकर 11 तक की कर दूंगा पहले, जल्दी से 1-2 दिन के अंदर। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा लास्ट में, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।